उत्तर प्रदेश में भाजपा की भारी मतों से जीत के बाद ये साफ हो गया है कि भाजपा को बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट मिले हैं। इसका कारण भाजपा द्वारा उठाया गया ट्रिपल तलाक का मुद्दा बताया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ एक कैंपेन चलाया था। ये एक सिग्नेचर कैंपेन था जिसमें देशभक्त से 10 लाख लोगों ने समर्थन दिया। इस कैंपेन को ज्यादातर मुस्लिम महिलाओं का समर्थन मिला है। बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक के खिलाफ हैं। वही महिलाएं इसके खिलाफ शुरू हुए अभियान में शामिल हो रही है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मुद्दे का विरोध करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख इस मुद्दे पर राष्ट्रीय व्यापी चर्चा करवाना चाहते हैं। उनके मुताबिक मुस्लिम समाज का सुधार करने के लिए ट्रिपल तलाक को खत्म करना होगा।